Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. दुनिया के टॉप अरबपति एलन मस्क हमेशा अपने ट्वीट से सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ ना कुछ कहकर वे हमेशा सुर्खियों का बाजार गर्म रखते हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे, भविष्य की कल्पनाओं को सच करने में लगा इंसान अपनी किसी बैड फीलिंग से घबराकर कंपनी में कोई बड़ा फैसला कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। मस्क ने अपनी सुपर बैड फीलिंग के चलते अपने स्टाफ को कम करने का ऐलान कर दिया है। क्या है वो बैड फीलिंग, चलिए जानते हैं। दरअसल रॉयटर्स ने एक इंटरनल मेल के आधार पर इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक मस्क को इकॉनमी को लेकर सुपर बैड फीलिंग आ रही है, इसलिए मस्क ने अपने 10% स्टाफ को कम करने का ऐलान कर दिया है। बता दें, टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स को गुरुवार को कटौती से जुड़ा ये मेल भेजा गया था। इसका टाइटल है पॉज ऑल हायरिंग वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया भर में सभी नियुक्तियों को रोक दें। यानी मस्क की बैड इंस्टीट्यूशंस के चलते टेस्ला के कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मस्क की गाज कर्मचारियों पर गिर रही हो। इससे पहले भी मस्क ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे ही एक सख्त फरमान जारी किया था। तब मस्क ने टेस्ला के कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि या तो ऑफिस आकर काम करें वरना टेस्ला छोड़ दें। ये मामला कोरोना के कारण शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए था। तब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक मेल लीक हुआ था। मेल में लिखा हुआ था, कर्मचारियों को हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे ऑफिस में आकर काम करना होगा। कर्मचारियों को टेस्ला के मेन ऑफिस में आकर ही काम करना होगा, यानी अगर कोई कर्मचारी दूर स्थित ब्रांच ऑफिस में जाकर काम करेगा तो उससे बात नहीं बनेगी। यानी इससे ये बात तो साफ है कि मस्क कर्मचारियों की गिनती कम करने में लगे हैं। अब ऐसा करने के पीछे वजह चाहे कोई बैड फीलिंग हो या फिर कोई स्ट्रेटेजी, लेकिन जो बात सच है वो ये कि मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी नेटवर्थ 233.7 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए के करीब है। वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के जरिए पृथ्वी पर और स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन लाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी मस्क के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, जो वो अपने कर्मचारियों को कंपनी से निकालने के लिए ऐसा कुछ सोचे फिर भी कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि अगर मस्क के हालात पर नजर डालें तो मस्क के पास टेस्ला की 21% हिस्सेदारी है, लेकिन उन्होंने लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में अपनी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की डील कर रखी है। उसमें उन्हें 9.1% हिस्सेदारी मिलनी है। इसके लिए भी उन्होंने बड़ा कर्ज लिया है। इससे क्या समझा जाए, क्या दुनिया का सबसे अमीर इंसान वाकई में अमीर है या फिर बस कर्ज के बोझ तले व्यापार कर रहा है। खैर बात जो भी हो, लेकिन कर्मचारियों पर गाज तो गिर ही गई है।